और चलिए देहरादून से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर की ओर भी रुक कर लेते हैं, जहां बता दें कि ईडी ने कैंपस से जुड़ी जानकारी मांगी है। जानकारी मांगने पर विभाग में खलबली भी मच गई। जानकारी की कवायद में विभागीय अधिकारी जुड़ चुके हैं। यहाँ अधिकारियों को ईडी को अब जानकारी देने को की। अधिकारी चर्चाओं का सिलसिला भी जानकारी मांगते की, जहां चर्चाओं का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो आपको बता दें कि ईडी ने कैंपस से जुड़ी जानकारी मांगी है, जिसके बाद अब विभाग में खलबली मच गई है। दरअसल जानकारी की कवायद में तब सभी विभागीय अधिकारी जुटे हुए हैं। यहां अधिकारियों को ईडी को जानकारी देनी होगी। जानकारी मांगते की चर्चाओं का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी सोनू, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, ईडी ने कैंपस से जुड़ी जानकारी मांगी है, क्या कुछ जानकारी इस मामले पर, क्या अपडेट? देखिए, जो वन विभाग की कैंपा योजना है, उस कैंपा योजना में किस किस मद में कितना खर्च किया गया है, कब खर्च हुआ है, और पहले कैंपा में जो सीनियर पद पर अधिकारी तैनात रहे हैं वो कौन कौन रहे हैं, किस किस समय सीमा के लिए वो रहे हैं, उनकी तैनाती की जो सीमा है वो अवधि क्या रही है, इससे संबंधित जानकारी मांगी है। और जो विभागीय सूत्रों से हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, उसके मुताबिक कहीं ना कहीं इसको लेकर के जैसे ईडी ने जानकारी तलब की है, उसके बाद से विभाग में खलबली का माहौल है। और जिस तरह से हड़कंप मचा हुआ है, एक तरफ विभाग के जो सीनियर अधिकारी हैं वो ईडी के जानकारी के जो जवाब है उसकी तैयारी करने की कवायद में जुटे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है इस पूरे के पूरे मामले को जो पाकरो रेंज है कॉर्बेट पार्क की, उसके अनियमितताओं से जोड़कर, उसके गड़बड़ झाले से भी जोड़कर के इसको देखा जा रहा है। इसी को लेकर के चर्चाएं हो रही है। चर्चा इस बात की हो रही है नैन्सी कि क्या ये जो मामला है, जो जानकारी मांगी गई है ईडी के स्तर पर विभागीय अधिकारियों से कैंपा के मद में खर्च होने वाली धनराशि की, क्या ये कोई नया मामला है, या फिर जो काफी चर्चाओं में उत्तराखंड का जो पाकरो रेंज घोटाला है, या उससे इसके तार जुड़ रहे हैं, इस बात को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं शासन से लेकर वन विभाग तक, वन विभाग से लेकर शासन तक। अब देखना होगा कि जब ईडी को जवाब दिया जाएगा वन विभाग के स्तर से, आखिर उस जवाब में क्या तर्क विभागीय अधिकारी जो है वो लिखने वाले हैं, वो तर्क देने वाले हैं, और क्या इन तर्कों से जो ईडी ने जानकारी मांगी है ईडी के अधिकारी संतुष्ट हो पाएंगे, या फिर ये मामला जो है दूसरी दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखना होगा कि आखिर आने वाले समय में जो जानकारी है वो विभागीय अधिकारी कब तक दे देंगे, और उसके बाद ईडी का अगला कदम आखिर क्या रहने वाला है। बिल्कुल, वाकई देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार ईडी के द्वारा मांगी गई जानकारी अधिकारी कब तक देने में समर्थ होते हैं, और इसके बाद अब इस पूरे ही मामले पर अब क्या नया मोड़ सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।